TMSL. They have come themselves. Yes, Rakesh. Who are they? Yes, sir. सर ये डायलिसिस की जो यूनिट है सेटअप किया गया है, क्या दिक्कत है, कितने बड़ी, क्योंकि पेशेंट को बाहर जाना पड़ता है। देखिए ऐसा है, मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, हम अखबारों में पढ़ते थे डायलिसिस के बारे में, बम्बई या दिल्ली या बड़े बड़े अस्पतालों में ये होता था। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इसकी फैसिलिटी आई और अब ये हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर सरकार ने डायलिसिस की जो फैसिलिटी उपलब्ध करवा दी है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है डिस्ट्रिक्ट के लिए, लोगों के लिए, पेशेंट्स के लिए एक सहूलियत है। तो ये इसका लोग भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और जो बीमार हैं बेचारे जिनको इसकी करवाने की ज़रूरत है, वो यहाँ सरकारी अस्पताल में आके सस्ते दामों पे अच्छे से डायलिसिस करवा सकते हैं, प्राइवेट में रेट ज़्यादा रहते हैं। तो ये हमारे लोगों के लिए, ज़िले के लोगों के लिए एक फैसिलिटी है। सर कितने बेड्स वगैरह जहाँ इसके लिए रेकमेंड? आपने देखा, मैंने भी ये देखा, 4 बेड हैं यहाँ पर जी। तो लाइकली एट ए टाइम 4 पेशेंट एट ए टाइम डायलिसिस करवा सकते हैं जी। तो क्या देखते हैं, हमारे जो काफ़ी पुअर पेशेंट्स आते हैं, अभी गोल्डन कार्ड भी इशू हो गया। देखिए ऐसा है, पुअर तो करवाएगा और जो जिसको बीमारी होगी वो करवाएगा, चाहे पुअर है चाहे रिच है। ठीक है, पुअर को ज़्यादा मदद हो जाएगी और रिच को भी बीमारी तो उसकी भी दूर करनी है, तो दोनों के लिए फैसिलिटी है। तो अभी गोल्डन कार्ड भी इशू हो गया तो उसके लिटर पेशेंट, हाँ उसमें तो ये डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, तो एक पेशेंट जो करवा रहे हैं वो गोल्डन कार्ड के तहत ही करवा रहे हैं, तो उनको ये फैसिलिटी मिली है, सीधा लाभ मिल गया उनको गोल्डन कार्ड बनाने का जी। सर ये कठुआ में पिछले काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट, सर कुछ रूमर मोंगर्स हैं, कुछ कई तरह के अफवाहें जो फैला रहे हैं, सर इनको क्या मैसेज रहेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में? मेरे नोटिस में तो कोई नहीं है मिस्चीफ मोंगर, सारा शांति है बिल्कुल कठुआ में। बाकी ये कोई जो भी है छोटा मोटा हड़ताल या पीसफुल ढंग से डिमॉन्स्ट्रेशन, वो तो लोग कर रहे हैं तो उनका राइट है, बाकी झगड़ा झुगड़ा कुछ नहीं है। जनता से कोई टिकट रहेगी? जनता से ये अपील है, खुश रही है और जो पीस बना के रखी है। ठीक है, जो घटना घट गई है वो बड़ी निंदनीय घटना थी और अब जो है आपस में लड़ाई झगड़ा कोई नहीं करेगा, आराम से रही और हड़ताल वगैरह खुल जाएगी तो स्कूल वगैरह खुल जाएंगे। ठीक है सर, ठीक।